नमस्कार जी सभी को स्वागत है आप लोगों का राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास में देखिए आज हम आपके जिस टॉपिक की आपसे चर्चा करेंगे वो टॉपिक है हमारा राजस्थान में धर्म संत एवं संप्रदाय महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान में धर्म ठीक है अब हम केवल राजस्थान के धर्म की बात ना करके ओवरऑल एक धर्म टॉपिक की हम बात करें प्रारंभ में फिर उसको हम आपके भक्ति आंदोलन से जोड़ते हुए संत और संप्रदायों की ओर लेकर के चलेंगे और आगे लोक देवी देवताओं से जुड़ जाएंगे तो देखिएगा हम अगर प्रारंभ में धर्म शब्द की चर्चा करें कि भाई धर्म के मायने क्या हैं या फिर हम ये कहें कि एक सामान्य मनुष्य धर्म की अनुपालना क्यों करता है क्यों आपके मंदिरों में ढोक देता है घंटियां बजाता है अगरबत्तियां लगाता है क्यों आपके ऐसे सब आपके जंजाल आपके किए हुए हैं ठीक है जिनको कि आपके मौर्य सम्राट अशोक के आपके धम्म के संदर्भ में देखें तो वो निरर्थक मंगल के कार्य कैसे निरर्थक मंगल के कार्यों से संबंधित आपके रहता है व्यक्ति तो ऐसा क्यों है तो हम आपके सबसे पहले हम एक जो बात कर रहे हैं वो है आपके धर्म हम यहां पर देख रहे हैं कि भाई धर्म है धर्म शब्द के कि धर्म की अनुपालना एक सामान्य मनुष्य के द्वारा क्यों की जाती है ठीक है कोई कहते हैं वह आस्था है श्रद्धा है ये सब आपकी चीजें बेकार की चीजें हैं लेकिन आपके यहाँ पर देखिए कि प्राचीन मनीषियों के द्वारा जो धर्म की अनुपालना का आपके आधार निकाला गया कि एक व्यक्ति धर्म की अनुपालना क्यों करता है क्योंकि वह व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है मोक्ष प्राप्त करना चाहता है ठीक है तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वो धर्म का अनुसरण करता है हिंदू धर्म के अंतर्गत या वैष्णव धर्म के अंतर्गत यह माना गया है कि एक मनुष्य चौरासी लाख योनियों के दौर से गुजरता है तब जाकर के उसको मनुष्य का जन्म मिलता है अब मनुष्य का मनुष्य का जो जन्म मिलता है ठीक है ना कि अंतिम जन्म मनुष्य का क्यों मिला क्योंकि मनुष्य में बुद्धि दी है विवेक दिया है उससे आपके मनुष्य सत्कर्मों का आयोजन करते हुए आगामी अपना जो आपके मोक्ष है उसको सुलभ कर सकता है ठीक है बात क्या हो रही है कि मनुष्य में बुद्धि और विवेक है जिसके अनुसार आपके व्यक्ति सत्कर्मों का आयोजन करे सत्कर्म करे और अपने मोक्ष को सुलभ कर ले अपने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ले ठीक है तो हम आपके यहां पर बात करें कि भाई धर्म का अनुसरण एक व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने मुक्ति अर्थात इसको हम क्या कहते हैं कि भाई मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से अब देखिए धर्मों की हमारे पास कमी नहीं है हिंदू धर्म देखें बौद्ध देखें जैन देखें इस्लाम देखें ईसाई धर्म देखें ठीक है तो धर्म आपके खूब हैं और सबका अल्टीमेट टारगेट आपके यही है अल्टीमेट टारगेट आपके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति ही सभी का टारगेट है ठीक है जब यही लक्ष्य है तो सभी ने रास्ते अलग अलग बता दिए कोई कहता है भाई इस रास्ते से जाएगा तो जल्दी आपके मिलेगा कोई कहता है इस रास्ते से जाएगा तो जल्दी मिलेगा रास्ते सबने अलग अलग बता दिए अगर हम अपने टॉपिक से संबंधित बात करें तो सबसे पहले हमको जो धर्म दिखाई देता है वो आपके कौन सा है कि वो हम वैदिक कर्मकांडों की बात करते हैं या वैदिक धर्म की बात करते हैं किसकी सबसे पहले हम आपके जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो आपके कौन सा है वैदिक धर्म है वैदिक धर्म है कई बार एग्जाम में इतना भी पूछा गया है कि वैदिक धर्म का स्वरूप कैसा है वैदिक धर्म का नेचर कैसा है ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है तो वैदिक धर्म के स्वरूप की अगर चर्चा की जाए कि इसकी नेचर कैसी है कि भाई कर्मकांडीय नेचर है स्वरूप कैसा है कर्मकांडीय है कर्मकांडीय से तात्पर्य आपके क्या है कि इसमें यज्ञों की प्रधानता है इसमें यज्ञों की प्रधानता है यज्ञों की प्रधानता है और यह माना गया कि भाई यज्ञों का आयोजन करो यज्ञों के आयोजन से आपका मोक्ष सुलभ हो जाएगा आपको क्या प्राप्त हो जाएगा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा ये जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है ये आपका यज्ञ ही है इसमें आप अपने क्योंकि यज्ञ में डालते हैं हविर यज्ञ में हविर डालते हैं ठीक है और यहां आपका जो यज्ञ है इसमें आप क्या कर रहे हो इसमें हम आपके अपने समय की और धन की आहुति दे, दे रहे हैं समय की आहुति दे रहे हैं धन की आहुति दे रहे हैं ठीक है जब समय और धन की आहुति आपके यहाँ दी जा रही है इसका मतलब धीरे धीरे आप पहले के समय की तुलना करें आज के समय पर आपके लाखों में फीस वसूल रहे हैं सभी लोग ठीक है और आपके पहले देखें तो दो दो ढाई ढाई हजार रुपये में ही आपके कोचिंग्स जितने भी आपके आपके सिलेबस थे वो पूरे हो जाया करते थे इसका मतलब धीरे धीरे इन यज्ञों में जटिलता आने लगी यज्ञों में क्या आने लगी जटिलता आने लगी और इनमें पशु बलि भी दी जाने लगी इनमें क्या दी जाने लगी पशु बली जब पशु बलि दी जाने लगी और ऊपर से आपके क्या हो गए ये यज्ञ महंगे हो गए ऊपर से यज्ञ कैसे हो गए हैं महंगे हो गए एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के यज्ञों का आयोजन बड़ा जटिल काम जोखिम भरा काम हो गया क्यों क्योंकि यज्ञ आपके विशाल यज्ञ जैसे राजसूय यज्ञ चल रहा है दो साल तक चलेगा लाखों की संख्या में गाय दान में देनी पड़ती थी इससे यज्ञ आपके क्या हो गए ये महंगे होने लग गए जटिल हो गए इनमें पशु बलि दी जाने लगी तो आपके कर्मकांडों की आलोचना का स्वर हमें आपके दिखाई देने लग गया उस समय के वैदिक साहित्य में ही कर्मकांडों की आलोचना होने लग गई जब इनकी आलोचना होने लगी और ये देखने लगे कि भाई कि ये सभी व्यक्तियों के भाई आप तो पैसे वाले हैं आपने तो आपके पूरा कर्मकांड कर लिया आपके बड़ा आपके यज्ञ आयोजन कर लिया अगर मेरे पास नहीं है तो मैं आपके ऐसे यज्ञों का आयोजन नहीं कर पाऊंगा ठीक है तो फिर आपके क्या हुआ कि दूसरा हम आपके जो विचारधारा देख रहे हैं वो आपके उपनिषदीय चिंतन आया क्या आया है उपनिषदी चिंतन अब इस उपनिषदीय चिंतन के अंतर्गत देखें उपनिषद में ही देखें तो एक अथर्ववेद नाम का वेद है उसका एक उपनिषद हुआ मुंडकोपनिषद कौन सा हुआ है मुंडकोप निषद इस मुंडकोप निषद में यज्ञों को आपके टूटी नौकाओं यज्ञों की तुलना आपके किससे की है टूटी नौका से आपके इनकी तुलना की है उन्होंने कहा कि ये यज्ञ तो आपके टूटी नौकाओं के समान हैं इनसे भवसागर को पार नहीं पाया जा सकता भाई आपने आपके के भाई कर लिया मैंने आपके बढ़िया फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया आपके और आप ये सोचोगे भाई कि मैं तो नौकरी लग गया नहीं आजकल खुद के ही मरे स्वर्ग मिलता है तो यहाँ पर आपकी यही बात है कि ये चीजें आपके भवसागर से पार नहीं दिला सकती तो फिर इनसे पूछा कि भाई आप बताओ कैसे मिलेगा फिर आपके मोक्ष हमको कैसे मिलेगा तो इन्होंने बताया कि व्यक्ति में ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति में क्या होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए बुद्धि होनी चाहिए और इस ज्ञान के बल पर व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा मोक्ष प्राप्त करेगा ज्ञान के बल पर व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा मोक्ष प्राप्त करेगा लेकिन इस ज्ञान की भी सीमाएं हैं सीमा कैसे कि एक तो आपके ये ज्ञान कैसा है कि गूढ़ ज्ञान है रहस्यात्मक ज्ञान है आत्मा परमात्मा से नीचे ही नहीं आता और ऊपर से संस्कृत में और है अब संस्कृत आमजन की बोली नहीं है क्लासिकल लैंग्वेज है और एक वर्ग विशेष का आपकर देखा जाए तो इस पर आधिपत्य था संस्कृत पर और ज्ञान पूरा आपके इन्हीं संस्कृत ग्रंथों में आपके भरा हुआ था तो यह भी आपकी चीजें हमारे आपके समझ से परे होने लगी क्यों क्योंकि अगर कोई व्यक्ति संस्कृत का ज्ञाता है तो इस रहस्यात्मक ज्ञान को प्राप्त कर लेगा अगर मेरे को संस्कृत नहीं आती तो मेरे तो फिर अटक जाएगा ना मोक्ष ठीक है अब ये उपनिषदीय चिंतन आया अब उपनिषदीय चिंतन के बाद फिर आपके ये चीज होने लगी कि भाई क्या हुआ तब आपके एक तीसरा हमको आपके मार्ग दिखाई देता है वो आता है भगवद गीता में भगवद गीता में देखिए, अभी आपके कुछ समय पहले ही आपने देखा कि भगवद गीता को लेकर के बड़ा आपके शोर शराबा हुआ था कि भाई कि ऐसा है कि भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाना चाहिए लेकिन नहीं किया गया क्यों क्योंकि आपके कुछ लोगों का मानना था कि भाई कि यह धर्म विशेष से संबंधित है नहीं ऐसा नहीं है भगवत गीता को अगर देखा जाए तो ये संसार के समस्त प्राणी मात्र के लिए दिया गया ग्रंथ है भगवत गीता अर्जुन और भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके इस ज्ञान को संसार के लिए प्रदान किया है जो भगवत गीता में आपके दिया गया है इसमें क्या है इसमें ज्ञान योग है क्या है इसमें ज्ञान योग है लेकिन समस्या यह है कि यह ज्ञान योग यही उपनिषदीय ज्ञान है जिससे हम अभी पीछा छुड़ाने की बात कर रहे थे अर्जुन को माध्यम बनाकर के संसार के समस्त आपके संसार के प्राणी मात्र के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण के मुख से इस ज्ञान को प्रस्तुत किया गया किसी धर्म विशेष से जोड़ना आपके इस ग्रंथ को आपके एक सीमा में बांधना हो जाएगा ठीक है ना इसलिए यह संसार के समस्त प्राणी मात्र के लिए है इसलिए भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं इसे वैश्विक ग्रंथ का दर्जा दे तो ज्यादा अच्छा है ठीक है तो अब यहां पर आपके क्या किया जाए कि यहां ज्ञान योग है और ज्ञान योग की हमने बात अभी कही आपने देखा कि पहले हम महाभारत चलती थी तो जब महाभारत चलती थी, तो जैसे ही भगवत गीता का उपदेश चालू होता हम टीवी को म्यूट पे कर देते क्यों क्योंकि जो ज्ञान की गंगा आपके भगवान कृष्ण वहां प्रवाहित कर रहे हैं वो हमारे ऊपर होके जाती है संस्कृत में बोल रहे हैं भगवान ठीक है अब ऊपर होके जाती है तो अपने म्यूट कर देते क्योंकि अपने को तो क्या चाहिए कि भाई कि कब ब्रह्मास्त्र चले कब बाण चले आपके ऐसी आपके धुआंधार की पारी चाहिए वहां पर लेकिन यहां देखा आपके ज्ञान योग में तब आपके देखो कि भगवत गीता के अगर अंतिम उपदेश को आप देखें कि भगवान कृष्ण ने संपूर्ण ज्ञान अर्जुन को दे दिया और अब अर्जुन संतुष्ट हो गया उसने गांडीव को उठा लिया अपने धनुष को उठा लिया कि महाराज अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं अब आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है क्या करना है अब मैं धनुष उठा लिया कि अब सबको निपट लूंगा मैं देख लूंगा सबको लेकिन अर्जुन जिज्ञासु शिष्य था जिज्ञासु व्यक्ति था उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है कि आपने जो ज्ञान दिया वो सब कुछ ग्रहण कर लिया मैंने लेकिन अब कुछ और देना चाहें, तो वो भी दे दीजिए आप देखते हैं कि जो जिज्ञासु बच्चे होते हैं उनकी ये आदत होती है कि गुरुजी ने सिलेबस पूरा करा दिया और गुरु जी को आपके सीढ़ियों पर ही रोक लेंगे कि गुरु जी मोस्ट मोस्ट पर निशान तो लगा जाओ इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये देख रहे हो कि भगवान ने संपूर्ण ज्ञान दे दिया फिर भी अर्जुन की जिज्ञासा है कि कुछ और देना चाहें तो दे दीजिए भगवान ने कहा कि भाई देना तो मैं चाहता हूं लेकिन इस बार यदि मैंने कुछ भी दिया तो अब तक जो दिया है वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो अर्जुन अड़ गया कि महाराज अब तू देना ही पड़ेगा ऐसा जाने क्या दे रहे तब उन्होंने कहा कि जितने भी धर्मों को तू जानता है सबको भूल जा जो भी यज्ञ विधि विधान कर्मकांड तेरे को सिखाए हैं उन सबको भूल जा जो भी ज्ञान अब तक तेरे को दिया है उस ज्ञान को भूल जा क्या कर मेरी शरण में आ जा मेरी शरण में आ जा और जैसे ही तू शरण में आएगा ना मैं तेरे को ऐसे ही मोक्ष दे दूंगा मेरी शरण में आ जा और जैसे ही तू मेरी शरण में आएगा मैं तेरे को ऐसे ही मोक्ष दे दूंगा यह बात आपके किन्ों ने भगवान कृष्ण के द्वारा आपके कही गई यहां शरण में आने का तात्पर्य है ईश्वर की भक्ति में आना है शरण में आने का तात्पर्य क्या है ईश्वर की भक्ति में आना है और भक्ति में आपके भक्ति से तात्पर्य क्या है यहां भक्ति से तात्पर्य है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण प्रदर्शित करना है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण देना है पूर्ण समर्पण से यहां पर तात्पर्य है कि एक बार आपने यदि किसी के प्रति अपना पूर्ण समर्पण कर दिया तो फिर आपके हाथ में कुछ भी शेष नहीं रहेगा अब आपके जो कुछ भी है वो उसी के हाथ में है जिसके प्रति आपने समर्पण किया जैसे आप देखोगे भक्त प्रहलाद ने आपके भगवान को समर्पण किया पिताजी ने कहा हृणा कश्यप ने कि भाई मेरा नाम ले नहीं तो आपके गड़बड़ हो जाएगी आपके दंडित करूंगा मैं ठीक है पहाड़ से फेंक दूंगा भक्त प्रहलाद ने पूर्ण समर्पण की स्थिति में थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है अगर उनको जरूरत मेरी होगी तो वो आएंगे और मेरे को बचा लेंगे आप अपना कर्म करो मैं अपना कर्म कर रहा हूं पिताजी ने आपके पहाड़ से फिकवाया और भगवान ने नीचे ही लपक लिया पूर्ण समर्पण की स्थिति है ठीक है आप ये देखते हो कि भाई पूर्ण समर्पण की स्थिति है अब यहां एक बात देखिए इस भक्ति को कौन करता है भक्त करता है भक्ति को कौन करता है भक्त करता है लेकिन सारे भगत हो गए तो फिर संतुलन गड़बड़ा जाएगा संतुलन चाहिए ना इसका मतलब इस भक्त बत्त की भक्ति में बाधा पहुंचाने वाली कुछ पैसाचिक प्रवृत्तियां हैं कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां हैं कुछ आसुरी प्रवृत्तियां हैं जो इस भक्त की भक्ति में क्या पहुंचाती हैं बाधा पहुंचाती हैं अब चूंकि इस भक्त ने अपना पूर्ण समर्पण उस ईश्वर को कर दिया है इसलिए इस भक्त की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है उस ईश्वर के पास है अब उसको आना पड़ेगा किसकी सुरक्षा के लिए इस भक्त की सुरक्षा के लिए तब आपके भगवान क्या लेते हैं अवतार लेते हैं भगवान क्या लेते हैं अवतार लेते हैं और अवतार आपके देखिए ऐसे नाइन प्लस वन यानी कि दशावतार का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे आपके वैष्णव धर्म में प्रचलन में है कि भाई नौ अवतार तो अब तक भगवान के हो चुके हैं दसवा आपके अवतार भगवान कलकी के रूप में आने वाला है कि श्वेत अश्व पर सवार होकर के भगवान कलकी यहां आएंगे और आपके सभी आसुरी प्रवृत्तियों को या आपके जो पैसाची प्रवृत्तियां हैं उनको नष्ट कर देंगे ठीक है तो अवतारवाद का कॉन्सेप्ट भी हमें आपके कहां मिल गया गीता में आ गया ठीक है आपने देखा कि गीता में जब आप देखते हैं महाभारत ही जब आपके प्रारंभ होती है तो उसमें एक श्लोक आता है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत है अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मा सृजाम आपके कहते हैं कि परित्राणाय चे साधु नाम साधुओं को परित्राण दिलाने के लिए विनाशाय च दुष्कृताम दुष्टों का विनाश करने के लिए संभवामी युगे युगे हर युग में आपके कौन आते हैं भगवान आते हैं अवतार लेकर के आते हैं ठीक है और ये किसका इन राक्षसी प्रवृत्तियों का तो करते हैं विनाश और आपके किसको आपके यहां पर भक्ति की करते हैं सुरक्षा आपने देखा कि भगवान अवतार तो तब लेंगे जब वो आपके यहां उनका समय होगा एक निश्चित समय होगा अर्थात जब आपके पाप का घड़ा पूरा भर जाएगा तब जाकर के भगवान का जन्म आपके यहाँ अवतार होगा भगवान कलकी के बारे में भी आपके कहते हैं उनका जो अश्व है उस अश्व के खुर है उसमें आपके छेद है ऐसी किवदंती मिलती है कि उसके खुर में एक छेद है जो आपके पाप के घड़े का प्रतीक है और वो धीरे धीरे भर रहा है जिस दिन आपके वो पूरा भर जाएगा उस दिन आपके भगवान कल की स्वयं में आपके जीवित तो हो उठेंगे और वो आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करेंगे लेकिन जब तक भगवान यहां आए तब तक इन भक्तों की सुरक्षा कौन करेगा तो उसके लिए भगवान अपने एजेंट्स को भेजते हैं अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं जैसे आप देखते हो कि भाई डूबते को तिनके का सहारा होता है तिनका आपके वर्णा तिनके की औकात क्या होती है लेकिन डूबते मनुष्य को बचा देता है वो तिनका ठीक है तो डूबते को तिनके का सहारा तो वो तिनका आपके क्या हो गया वो तिनका आपके लिए ईश्वर का भेजा हुआ एजेंट हो गया प्रतिनिधि हो गया ठीक है इसका मतलब उस क्षण आपका समर्पण का कोई अंश काम आ गया आपके और आपको बचा दिया इसी प्रकार आपने देखा कि हम आपके राजपूत काल में भी बात करते हैं किस बात की कि आबू पर्वत पर जब विभिन्न ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे आबू पर्वत पर जब विभिन्न ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे तब कुछ पैसाचिक प्रवृत्ति के लोग उनके यज्ञों को नष्ट कर दिया करते थे उनके यज्ञों को नष्ट कर दिया करते थे तब आपके उन सभी ऋषि मुनियों ने ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि वो उनके यज्ञों की सुरक्षा करें तो ऋषि वशिष्ठ ने अपने अग्नि कुंड से पहले आपके तीन योद्धा निकाले प्रतिहार परमार और चालुक्य लेकिन जब ये तीनों योद्धा उस तत्कालीन आतंक को समाप्त नहीं कर पाए तब तो चतुर्थ योद्धा के रूप में उन्होंने चाहमान को निकाला जो चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने आपके उन पैसाची प्रवृत्तियों को कुछ समय के लिए रोका उन पर अंकुश लगाया राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत चल निकला ठीक है तो यहां इस भक्त की भक्ति की सुरक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेकर के आते हैं ठीक है यही ये भक्ति की पौराणिक आपकी क्या है पौराणिक उद्भव है भक्ति का कि भाई भक्ति कैसे आई पौराणिक उद्भव है यहां भक्ति योग मिलता है किसमें गीता में अगर देखें कि भाई भगवद्गीता कि भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है कौन गीता और किसमें है महाभारत में और अगर महाभारत की बात हम करें तो महाभारत आपके आश्वलायन ग्रह सूत्र में इसका पहली बार उल्लेख मिलता है महाभारत का पहली बार उल्लेख आपके देखा जाए तो हमें कहा मिलता है आश्वलायन ग्रह सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है आश्वलायन ग्रह सूत्र में पहली बार महाभारत का उल्लेख हमें देखने को मिलता है इसी के भीष्म पर्व में भगवत गीता मिलती है और अगर भक्ति का उल्लेख हम देखें तो भक्ति का पहली बार उल्लेख हमें श्वेता स्वतर उपनिषद में प्राप्त हुआ है श्वेता स्वतर उपनिषद में प्राप्त हुआ है ये हम आपके कौन सी भक्ति देखते हैं पौराणिक भक्ति देखते हैं इसके पश्चात हम देखते हैं ऐतिहासिक भक्ति भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंद भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंद प्रगट कबीर ने सात दीप नवखंड कि भक्ति का जन्म आपके दक्षिण भारत में हुआ आलवार और नैनार संतों के द्वारा ठीक है और उत्तर भारत कौन लेकर के आए उत्तर भारत तक लाने में सेतु का काम पुल का काम आपके रामानंद के द्वारा किया ठीक है प्रगट कियो कबीर ने सात दीप नवखंड कबीर दास जी आपके रामानंद की शिष्य परंपरा में हैं शिष्य हैं ठीक है उन्होंने आपके इस भक्ति को सभी जगह फैलाने का काम किया है तो इस तरह ऐतिहासिक भक्ति का उदय हम आपके इसके पश्चात आपके पहले पौराणिक भक्ति और उसके बाद ऐतिहासिक भक्ति के उदय को देखते हैं तो बड़ा सिंपल सा आपके हमने यहाँ कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास किया है जिसमें आपने देखा कि भाई की किस प्रकार से कर्मकांड कर्म कांडों के बाद ज्ञान कांड ज्ञान कांड के बाद आपके समर्पण की बात आती है भक्ति की बात आती है ठीक है और भक्ति से आपके व्यक्ति ईश्वर से आपके किसको मोक्ष की अवधारणा को प्राप्त करता है अपनी जो चरम उद्देश्य है जीवन का जो चरम उद्देश्य है उसको प्राप्त करता है नेक्स्ट टॉपिक आपके हम जो ऐतिहासिक भक्ति का उदय और हमारे जो संत संप्रदाय हैं उनका क्या रोल रहा आपके उसमें उसके साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद